अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपको पता है, क़तर ने कोरोना वायरस के बचाव के लिए शुरू से काफ़ी इंतज़ाम कर रहा है। पूरी कोशिश हो रही है कि कोरोना वायरस क़तर में कम से कम फैले। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क़तर के सारे अफराद महफूज रहें। क़तर के कुछ इलाके भी बंद हो चुके हैं, ये इसलिए है ताकि ये वायरस आगे ना फैले। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने इन सारे अफराद की ज़रूरियात की जिम्मेदारी ले ली है। उनका खाना पीना, दवाइयों का और कोई भी मेडिकल ज़रूरियात भी पूरी की जाएंगी। जिनको डॉक्टर की ज़रूरत है, उनको डॉक्टर के क्लिनिक में भी देखा जाएगा। अगर कोई ज़्यादा बीमार है तो वो एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल पहुँचाया जाएगा। हालांकि ये काफ़ी मुश्किल वक्त गुजर रहा है, हम आपकी परेशानी समझते हैं और आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक क़तर में कोरोना वायरस की तादाद कहीं सैकड़ों में है और उनमें से 90% को सिर्फ नज़ला ज़ुकाम हुआ है। जिन लोगों की उम्र 50 साल से कम है, याद रखें कि उन लोगों को मामूली सी बीमारी होती है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप हमारा साथ देंगे इस मुश्किल हालात में।